नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ साक्षी। वैशाली ठक्कर के निधन से पूरी टीवी इंडस्ट्री इस वक्त सदमे में है। जी हां, जहां वैशाली ठक्कर ने खुद गलत कदम उठाकर अपनी जान ले ली, यहां हर कोई शॉक है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल पुलिस को एक आखिरी खत बरामद हुआ है जिसमें ये आधार पर पुलिस जांच कर रही है कि शायद उनके बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूटने की वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। वैशाली ठक्कर मुंबई अपने सपनों को पूरा करने आई थी। वो शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपना नाम कमाना चाहती थी। उन्होंने उस सपने की ओर अपने कदम भी बढ़ा लिए थे। वैशाली ने अपने करियर की शुरुआत ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से की थी। 2015 से 2016 तक वैशाली इस सीरियल में संजना के रोल में नजर आई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने 2016 में ये वादा रहा में सिमरन और ये है आशिकी में वृंदा का कैरेक्टर प्ले किया था। वैशाली का दूसरा नोटिसेबल सीरियल ससुराल सिमर का रहा, जहां उन्होंने अंजलि का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो विश अमृत मनमोहिनी 2, रक्षाबंधन जैसे सीरियल में भी नजर आ चुकी थी। वैशाली फिलहाल अपने होम टाउन इंदौर में रह रही थी। उनके पास इस समय कोई काम नहीं था। वहीं उनके बॉयफ्रेंड से भी उनका रिश्ता टूट गया था। वैशाली के बॉयफ्रेंड का नाम अभिनंदन सिंह है। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और कन्या में डेंटल सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। वैशाली और अभिनंदन की सगाई 26 अप्रैल 2021 को हुई थी। इस बार अपने यूट्यूब लाइव वीडियो के दौरान भी वैशाली के एक फैन ने उनकी शादी का जिक्र किया था। इस पर वैशाली ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन ये कहकर ब्लश जरूर किया था कि इसका अपडेट भी वो जरूर देंगी और जल्द ही बताएंगी। वैशाली शादी करके सेटल होना चाहती थी। लाइव वीडियो में बातचीत के दौरान वैशाली ने एक फैन को जवाब दिया था। वैशाली ने कहा था, क्यों भाई, क्यों ना करूं मैं शादी, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए बैठी रहूं। पुलिस के मुताबिक वैशाली के आखिरी खत में एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि एक्स बॉयफ्रेंड वैशाली को परेशान कर रहा था, इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का डिसीजन लिया। वैशाली कुछ दिन पहले अस्पताल में भी एडमिट हुई थी। उनके यूट्यूब वीडियो से इस बात का पता चलता है। वैशाली को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ, जिस वजह से उनका जॉइंटिस बिगड़ गया था। उन्हें काफी दिन अस्पताल में भी काटने पड़े थे।